आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ या घटाओ। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में या कुछ वजह हमें दिक्कत आ जाती है कि भिन्न आ जाती हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है उनको जोड़ने और घटाने में। आज के लिए मैं आपके लिए ऐसी सरल ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे आप आसानी से कुछ ही सेकेंडों के अंदर भिन्नों के जोड़ना या घटाना उनको हल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आप देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 20, 15 और 8। ये जो भी संख्याएं आपके पास दी हुई हैं इनको आप क्या लीजिए, बाहर रख लीजिएगा। ऐसा कैसा, 20 प्लस 15 और -8, यानी चिन्ह के साथ आपको इसको ऐसा कैसा लिखना है। सेम जो बच गया है उसको अंदर लिख दीजिए, तो 3/10 प्लस 1/3 -3/5 ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको हम सरल करेंगे तो 20 और 15 35, 35 में 8 जाएंगे तो यानी हमारे पास कितने बचे, 27। इसका एलसीएम वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा एरिया एलसीएम हमने, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 प्लस ये कितना जाएगा 10, 6 बार 5 का भाग 30 में कितना जाएगा, 6 बार 6 को 3 से कितने आएंगे 18। ये आ गया समझ, तो हमारे पास कितना रह गया 27। 9 और 10 कितने, 19, 19 में से 18 जाएंगे 1, ये हो गया 1/30, यानी हमारे पास आंसर आ गया 30/1। ऐसे ही हम इन भिन्नों वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी प्रकार का हम अन्य और सवाल है वो यहाँ पर करेंगे। आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में, जो भी आपके पास बाहर जो संख्या आ रही है उसको आप ऐसा कैसा कह लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो जैसे हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, जो बच गया है उन दोनों उन सब जितने भी संख्या है हमारे पास बची हैं उनको आप जैसा है चिन्ह है, जैसा चिन्ह है वैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने इसका क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, ठीक है। एलसीएम लेकर उसको हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। अगला और क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं जिससे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 15 सही 1/3 प्लस 10 सही 1/4 -7 सही 1/6 -9 सही 2/3 है। चौदह तो सवाल को इसको हल करते हैं। अभी जैसे पिछला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह हमें इस प्रश्न को करना है यहाँ पर। तो हमें जो भी संख्या दी गई है 15, 10, -7 और -9 इन सबको हम यहाँ पर बाहर लेते हैं, ये आएगा 15 प्लस 10 -7 -9, ये हमने इसको बाहर ले लिया है। अब जो बच गया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारे पास रहेगा 1/3 प्लस 1/4 -1/6 -2/3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब पहले दिन को हल करते हैं, 15, 10 कितने हो गए 25 और 9 और 7 कितने हो गए 16। तो 25 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास बच के +9, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो एलसीएम लेते हैं, तो देखो 3 4 6 और 3, इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम है कितना आने वाला है। तो एलसीएम देखो 12 में 3 का भाग 4 में 6 में और 3 3, 12 में सबका भाग, इसका एलसीएम आगू हमारे पास कितना रहेगा 12, इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 चौक 12 है, 4 बढ़ गया, 6 की 12 6 दुनी 12 और 3 चौक 12 4 और 4 दुनी 8, ये हमारे पास इतना है। अब देखिए आगे आगे हमें करना क्या है, इसमें इसको सरल कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 4 3 7 और 8 2 कितने हो गए 10, 10 में से 7 जाए तो -3 बचेंगे, ये आ गया 3 में 3 का भाग 12 में कितना ज्यादा था 4/5, ये आ जाता है --1/2। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, आपको इसको माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। कि कहीं आप इसको माइनस में ले लो, आपको क्या करना है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 9 1 9
माइनस एक अपॉन चार आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कितना क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख दो, 8 + 1 -1/4। देखो 9 को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, एक तो 8 लिख दिया और एक एक लिख दिया 9, तो 1 में से 1/4 जाएगा कितना हो जाएगा 3/4। तो 8 + 3/2 ये हमारे पास कितना रहता है, ठीक है, ये आ गया 8 + 3/4। अब इसको आप ऐसा वैसा रख दीजिए, 8 से 3/4 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने किया क्या है इसके अंदर, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं उन सबको आप क्या ले लीजिए, बाहर इनके साथ में ले लिया हमने, बाकी जो बचा है उसको हम एलसीएम लेकर आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से हम आसानी से इनसे प्रश्नों को, बिना वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आप लेम तरीके से करते हो तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 15 से 45, एक 46 अकाउंटिंग, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको, फिर सबका एलसीएम दो, तो वो इससे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें गलती होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक। तो इस तरीके से सवाल, इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।